यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आइए खबरें देखते हैं पीलीभीत, सीतापुर, एटा, आगरा और बदायूं जनपद से। आज की पहली खबर जिला बदायूं से है। आज जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक विवाह का कार्यक्रम बिसौली के मदनलाल इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। इस आयोजन में 175 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें ब्लॉक आसफपुर बिसौली वजीरगंज के जोड़े एक दूसरे के हुए। विवाह में मुख्य अतिथि के तौर पर बिसौली विधायक कुसाग्र सागर, जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश वाशरे, सांसद प्रतिनिधि सनवीर पाल और तीनों ब्लॉक प्रमुख एवं तीनों ब्लॉकों के वीडियो आदि मौजूद रहे। यहां अपार संख्या में जन सैलाब देखने को मिला। अगली खबर आगरा से है। आज जिले के माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय आंवलखेड़ा आगरा में कल 10 दिसंबर से संचालित हो रहे दो दिवसीय युवोत्सव समारोह का समापन धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर यशोधार शर्मा के द्वारा समापन किया गया। कार्यक्रम के संयोजिका की भूमिका का निर्वाह श्रीमती रेणुदास के द्वारा किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन में डॉक्टर अनीता, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर मनोरमा यादव, अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार शाह के द्वारा निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया गया। दोनों दिवसीय के समस्त कार्यक्रमों में संदीप ओझा, जितेंद्र श्री रफीक के द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। समस्त प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त छात्राओं को पुरस्कृत कर बधाई दी गई। खबर सीतापुर से देखिए तो आज जनपद के मिश्रिख में ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन खंड विकास अधिकारी प्रतीक के निर्देशन में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में 70 जोड़े शामिल हुए। समारोह में सभी 9 विवाहितों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और आयोजन के गवाह बने। अगली खबर जिला एटा से है। यहां जिले में पुलिस पर आरोप कार्रवाई न करने का लगा है। मामला नकला रामाई थाना मिरहची का है। यहाँ के निवासी पीड़ित रामबाबू एसपी के द्वारा न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे। उनके मुताबिक एटा बस स्टैंड सागर कॉम्प्लेक्स से माया पैलेस की तरफ वो जा रहा था, तभी रास्ते में किशन यादव निवासी बहादुरपुर मिला। उसने प्रार्थी से जाति सूचक बातें करते हुए शराब पिलाने के लिए रुपए मांगे। जब प्रार्थी ने रुपए देने से इनकार किया तो किशन ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी को रोड पर जमकर मारा। जब पीड़ित तहरीर लेकर कोतवाली नगर पहुंचा तो वहां प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मामले में प्रार्थी का कहना है कि उसे न्याय चाहिए, उसे रोज नए नए तरीकों से धमकाया जा रहा है। अगली खबर जिला पीलीभीत से है। आज जिले के पूरनपुर में पुलिस की वाहवाही देखने को मिल रही है। इसका कारण है वरिष्ठ पुलिस अफसरों के दिशा निर्देशन में चलते और क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में जुलाई में पंजाब नेशनल बैंक शाखा शेरपुर में हुई चोरी के प्रयास का सफल अनावरण किया गया। मामले में बैंक में सेंध लगाई गई थी, जिसका मुकदमा थाना पूरनपुर में पंजीकृत किया गया था। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस अपनी टीमें बनाकर पड़ताल में लगी थी, जिसमें वो सफलता पाई है और अपराधी पकड़े गए हैं। जो शेरपुर में बैंक पंजाब नेशनल बैंक में सेंध लगाकर की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें थाना पुलिस की टीम व एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें हमने अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस संबंध में थाना पे मुकदमा का संख्या 829/2021 धारा 457, 427, 380, 511 भादावी पंजीकृत किया गया था और लगातार प्रयास के बाद इस घटना का अनावरण किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त का नाम है इरफान और फातू पुत्र सफी अहमद, दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद नबी और तीसरा अभियुक्त है रऊफ पुत्र इब्राहिम। ये तीनों शेरपुर कला के ही निवासी हैं और इन तीनों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था, और जिसमें से धातु के पास से जो उसकी निशानदेही पर प्रयुक्त जो सेन बनाने के लिए औजार था सब्बल, उसको भी बरामद किया गया है। और इसमें अभियुक्त मोहम्मद इकबाल का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, 2010 और 2018 में उसके द्वारा गौकुशी में वो जेल भी गया है। और बाकी जो सब दो अपराधी, इनके भी अपराधी के कारण अभी और दोनों के अपराधिक इतिहास नहीं है अभी, और उसमें और भी तलाश की जा रही है। यदि कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो उसको जरूर ऐड किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। हाँ, इनको माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मामले में क्षेत्राधिकारी ने आवरण किया है और बताया है कि ये सफलता सभी पुलिस कर्मियों के सहयोग से मिली है, सभी बधाई के पात्र हैं। मामले में 3 अपराधी पकड़े गए हैं, ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। पुलिस की कार्यवाही के बाद क्षेत्र में सराहना हो रही है।
आज की अंतिम खबर भी जिला पीलीभीत से है। यहां भी आज पूरनपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विशाल पंडाल लगाकर आयोजन संपन्न किया गया। आयोजन में 50 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें से 43 जोड़े एक दूसरे के वैवाहिक संबंधों में बंधे। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कमलेश्वरी दीक्षित के पुत्र आशुतोष दीक्षित और विधायक बाबूराम पासवान के पुत्र ऋतुराज पासवान एवं खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार रहे। आयोजन का संचालन शालिग्राम जेई के द्वारा किया गया। यहां सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद और गिफ्ट वितरित किए गए। कार्यक्रम में विकासखंड विकास विभाग के सभी अधिकारियों के साथ साथ सभी कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजन को ऋतुराज पासवान ने संबोधित किया। यूपी खबर स्पेशल में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।